हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। आज मेरा यूट्यूब चैनल में चारवा दिन है। चलो हम बताते हैं, आज कुछ बाहर जाने का नहीं है तो फिर घर पे ही रह के बताएंगे जो भी कुछ हुआ है। सबके लाइफ में, जिंदगी में जो चल रहा है वो आज बताएंगे। आज सबको मेरा सवाल है तो बताना कमेंट बॉक्स में या कुछ भी ऐसे ही बताना कि क्या हुआ है आपकी जिंदगी में, ऐसा हुआ है या कुछ और। अल्लाह, सबसे पहले बात करते हैं प्यार। प्यार क्या चीज है यार? ऐसे ही प्यार का बात, जो प्यार की बात करते हैं तो उसको सैड क्यों हो जाते हैं? एक तरफ से प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, एक तरफ से ना तो बुरा। अगर प्यार फेल हो गया तो फिर ये अकेले कमरे में बंद होके, लाइट ऑफ करके, कानों में हेडफोन डाल के बैठे रहना क्या है यार? कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें प्यार पाना ही है तो फिर उससे मांगो ना, जो तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें इतना बड़ा किया है, इतना दुनिया दिखा रहा है, तो उससे बात करो ना। अकेले में कि तनहा में तुम्हें दुख मिले या दर्द हो, नमाज पढ़ो यार। इतना भी क्या है यार, नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, सबसे बढ़ के है ना। सर एक नहीं, 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। हम उससे छोड़ के दूसरों के पास प्यार की भीख मांगना, पैसा मांगना, ये क्या है यार? कुछ नहीं, प्यार एक बकवास चीज। जो प्यार पे हारे होते ना इंसान, तो अपने आप को झांक के देखो, क्या है हम, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जिंदगी में क्यों हम ऐसे हैं? कुछ नहीं, एक तरफ से माँ बाप अच्छा सोचते हैं, एक तरफ से नहीं। कभी कभी लगता है यार इस दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं, अपने पास जो रहता है उन सबको छोड़ के चले जाऊं। फिर सोचता हूं माए इतना क्यों यार, माँ माँ को छोड़ के नहीं जा सकते हम, बस सोचते हैं इधर चले जाऊं उधर चले जाऊं। नहीं देखो यार, सोच के देखो हम अपने आप में क्या है, क्या कर सकते हैं, कैसे मुआन करना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक गई दूसरी को पकड़ो, दूसरी गई तीसरी को पकड़ो, ये नहीं कह रहा मैं। जब प्यार में फेल होता है ना तो छोड़ दो यार, आगे प्यार मत करो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, घर वालों के बारे में सोचो। कभी ना कभी शादी होने वाली है सबकी, तो फिर उसके बारे में सोचो, ये प्यार, उसने धोखा दिया मुझे, ऐसे किया वैसे किया, ये वो फलाना ढिंकाना, सब बेकार है। दोस्त किसी एक को बनाओ, बनाओ ऐसा बनाओ कि अपनी जो बात उसको बोलते वो दूसरों का ना बोले। फिर ऐसा दोस्त कौन सा दोस्त है कि उसको हमारी बात हम बोलते हैं तो फिर वो दूसरों को पास जाके बोलता है, तो फिर क्या करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। बस देखो क्या करेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में, मम्मी का कॉल आ रहा है मुझे। ओके हाँ, किसी ने एक शायरी लिखी है, मुझे उसका तो नाम पता नहीं है। अगर पता होता तो जवानी ऐसी होती है, अगर पता होता तो जवानी ऐसी होती है, हम बचपन में किसी ट्रक के नीचे आ जाते। ऐसा करते क्या कोई? नहीं, हमारा दिमाग कुछ भी लिख सकते मगर ऐसा करते नहीं है, है ना? अगर मांगना हो तो उस रब से मांगो ना। ये दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया के लोगों में क्या रखा है, ये दुनिया के जो लोग है ना, कुछ नहीं दे सकते। अपने दर्द उसको बताऊं तो दर्द समझ सकता है क्या?
नहीं समझता सिर्फ वो ना, उसको बताओ अपना दर्द अपनी तकलीफ जो भी हो रही है उसको बताओ। ये दुनिया के लोगों से बताना क्या है? आपको तकलीफ हो रही है, दो रकत नफिल नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। ये दुनिया में कुछ रखा ही नहीं यार। दोस्तों के पास बोलते हैं हम ये समझ के कि ये मेरे जो भी प्राइवेट शेयर कर रहा हूँ तो किसी के पास मत बोले, तो ऐसा नहीं होता। एक महफिल में जब जमा होती है दोस्तों की तब सब बोल देते हैं। किसकी किसकी बात बोलते हैं? तुम्हारी मेरी नहीं, जो बोलते हैं ना उसकी बात बोलते हैं। इसलिए मैं दोस्त ज्यादा रखता नहीं हूँ, बस एक ही है मेरा दोस्त, उसका नाम छोड़ो क्या लेना है, बस इधर है दिल के करीब है। और उससे भी ज्यादा मिलता नहीं हूँ, कभी कभी मिलता हूँ। दोस्त ना कम बनाया करो, दोस्त उधर है। अगर मांगना हो तो उससे मांगा करो, वो जात अपने औकात देख के नहीं देता, समझ रहे हो? क्या करें यार, जिंदगी में लाइफ चलना भी बहुत मुश्किल है। अपना दर्द किसे बताओ, किसी को नहीं बता सकता सिवाय मेरे अल्लाह के, घर वालों को भी नहीं, भाई को भी नहीं, बहन को भी नहीं। ऐसे दर्द है यार किसी को बता नहीं सकता। अगर वो कोई महफिल में मेरी इज्जत निकाल दे तो, इसलिए मांगा है तो उस रब से मांगो कि वो किसी के सामने जलील नहीं कर रहा। मांगो, उससे मांगो अपना दर्द, उससे बताओ जो भी तकलीफ है उससे बताओ। ये दुनिया वाले कुछ दे नहीं सकते यार सिवाय धोखा। धोखा देते हैं, तकलीफ देते हैं, उनकी जो कही हुई बात दिल में चुभ जाती है, उस इंसान को भूल जाते हैं, वो लव्स कभी नहीं भूल सकते। ऐसा क्यों है? इंसान को तो भूल जाते हैं, वो है या नहीं मेरी जिंदगी में उसको तो भूल जाते हैं, जो उसकी कही हुई लव्स है ना, ये और ये कभी नहीं भूलते। भूलते हैं बस इंसानों को, वो इंसान तकलीफ दे या कुछ भी, इंसान को भूल जाते हैं, तकलीफ याद हो जाती है कि इंसान उसे दिया था मुझे तकलीफ। उस इंसान का नाम तक याद नहीं रखते हम, ये सोचो नाम तक याद नहीं रख सकते हम सिवाय इसके तकलीफ के। ये दुनिया है साहब, दुनिया तो इतनी खूबसूरत है, पहचानना है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, इंसान कोई ठीक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा होने का ढंग क्या बोलते हैं, ढोंग दिखाते हैं। हमारे सामने अच्छा होते हैं तो पीठ पीछे वार करते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। आपसे नहीं, हुजूर के जमाने से होते आ रहा है। खैर उनकी तो बात अलग है, हम अपनी और तुम्हारे इन दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया के लोगों की बात कर रहे हैं। चलो आज का टॉपिक तो यही था, कहीं बाहर जाना नहीं था, बाहर धूप ज़्यादा है, होटल भी आज बंद है, छुट्टी है होटल की। कुछ दिन के बाद मेरे भाई की सगाई है, इंशाल्लाह दिखाएंगे तुम्हें सगाई में, सबको सपोर्ट करें, इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्यार करो किसी एक से, मगर उससे भी नहीं होता फेक लव। ये दुनिया में ना बस फेक लव है।
कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता। अगर उसके तरफ से सच्चा प्यार है तो दुनिया मिला नहीं सकती, अगर मेरे तरफ से सच्चा प्यार है तो फिर भी नहीं मिला सकती। आजकल के लोग देखो कैसे अजीब है, प्यार करते हैं नमाज नहीं पढ़ते, सजदों में मांगा करते हैं, किस पे? तहज्जुद की नमाज में, प्यार पाने के लिए। कुछ टाइम था यार सब लोग करते थे, अब सजदों में मांगा करते हैं उस प्यार को, जिस प्यार से रब से करते हैं उस कुछ भी नहीं मांगते। मांगो, देखते हैं इंशाल्लाह, वो अल्लाह देने वाला है, किसकी नेकी किसकी नियत सही है उसको देने वाला है। हाँ एक बात मैं ये बोल रहा हूँ कि नमाज कभी चुकाओ मत यार, नमाज पढ़ा करो, इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी क्या बोलते हैं लाइफ अच्छी हो जाएगी, जो भी तकलीफ है उस तकलीफ से क्या बोलते हैं शिफा मिलेगी, शिफा नहीं कुछ भी यार। चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, फिर कल मिलेंगे। अगर घर में कोई नहीं है, भूख लग रही है तो हाई प्रोटीन बना के खाओ, सोयाबीन। और देखो भिंडी प्याज, अब हम इसको पका के मैश करेंगे, इसके बाद हम सलाद बना के खाएंगे। कोई नहीं घर पे अकेला, अभी हम उसको काट रहे हैं थोड़ा ब्रेक। हो गया इसको दो ही बस, और कुछ नहीं लेना। ये अभी रेडी हो रहा है थोड़ी देर, इसको भी हम पका के, हो गया है थोड़ी देर में, हो गया अभी हम इसको मैश करके खाएंगे। क्या करते हैं यार घर में कुछ है ही नहीं, हाई प्रोटीन। मेरे को दिखाता हूँ हाई प्रोटीन स्कॉप्स, अब हम खाएंगे इसको, देखेंगे टेस्ट कैसा आता है। सलाद खाने के बाद